बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन पटना में शनिवार को हिंदी के ध्वजवाहक डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर लघु कथा गोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में साहित्यकार और बुद्धिजीवियों ने हिस्सा लिया। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ मगध विश्वविद्यालय बोधगया के पूर्व कुलपति डॉक्टर शंकर प्रसाद, डॉक्टर मधु वर्मा, डॉक्टर कल्याणी, डॉक्टर शिवांश पांडे, चंदा मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार रीता सिंह आदि ने लक्ष्मी नारायण सुधांशु के चित्र पर माल्यार्पण किया। अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ ने डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु का समाज और हिंदी जगत में योगदान की चर्चा की। आज हमें महात्मा सदृश साहित्यकार और राजनेता को स्मरण कर रहे हैं। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी, आपने सुना भी, बहुत अच्छे कथाकार, कवि, समालोचक, पत्रकार तो थे ही, हिंदी के अनन्य सेवक, हिंदी के दृढ़ प्रतिज्ञ ध्वजवाहक और एक ऐसे आदर्श नेता थे जिनसे आज की राजनीति करने वाले लोगों को शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। वे इतने सहज सरल विवेकवान थे, उन पर राजनीति में कहिए कि गांधी का प्रभाव था और हिंदी के लिए जो कार्य किया उन्होंने, तो मुझे कभी कभी लगता है कि टंडन जी का उन पर प्रभाव था। वैसे ही अनन्य भक्ति थी उनकी देश के लिए, समाज के लिए, हिंदी भाषा और साहित्य के लिए। सम्मेलन के अध्यक्ष रहे, विधानसभा के भी अध्यक्ष रहे, हिंदी प्रगति समिति के भी अध्यक्ष रहे और हिंदी के प्रति उनकी निष्ठा ऐसी थी कि किसी ने उनसे पूछा कि आप अगर कोई दो चीज में से कोई एक चुनना विधानसभा अध्यक्ष रहना चाहेंगे कि हिंदी प्रगति समिति के अध्यक्ष, उन्होंने कहा मैं विधानसभा के अध्यक्ष पद को छोड़ सकता हूं लेकिन हिंदी प्रगति से होगी। 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी इस देश की राजकाज की भाषा हो इसका निर्णय लिया और वह निर्णय भी नहीं हो पाता यदि 4-5 लोग बहुत ही दृढ़ता के साथ हिंदी के पक्ष में खड़े होते। उनमें टंडन जी, मालवीय जी तो सम्मिलित थे ही, राजेंद्र प्रसाद जी सम्मिलित थे और सुधांशु जी और सुधांशु जी के ही कारण सबसे पहले किसी राजनीति अम्बरीश कांत जी की चर्चा कर रहे थे। जब प्रांतों पर को सौंप दिया गया कि आप अपनी इच्छा से निर्णय लें, तो सबसे पहले बिहार हुआ जिसने हिंदी को अपने राजकाज की भाषा जीवन पर्यंत लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे। हिंदी के विषय पर इतने दृढ़ और कठोर थे कि दिनकर जैसे राजकवि को भी फटकार लगाए तो उनको लेनी थी। दिनकर जी जब राज्यसभा में उनको व्याख्यान का अवसर मिला तो वे भी अंग्रेजी में भाषण करेंगे। सुधांशु जी इतने दुखी हुए, उन्होंने बुलवाया दिनकर जी को
कहा उनसे कि दिनकर जी, क्या राजसभा में हम लोगों ने आपको इसीलिए भेजा था कि आप भी वहां अंग्रेजी में भाषण करें? लज्जित हुए दिनकर, क्षमा मांगी लालजी से। तो ऐसे आदर्श व्यक्ति तो थे, इतने सहज सरल वेशभूषा बिल्कुल वैसे ही। किसी ने कहा उनसे, जब सभाध्यक्ष हुए विधानसभा के, तो किसी ने कहा कि सुधांशु जी, अब तो आप सभा के अध्यक्ष हो गए विधानसभा के, अब क्यों नहीं अच्छे अच्छे वस्त्र पहन लेते हैं? तो उन्होंने उत्तर दिया कि भैया, सुधांशु जी को बिहार में कौन नहीं जानता? अगर मैं कुछ लौकिक पहनू, साधारण ही पहनू, तो भी तो कहेंगे सुधांशु जी ने विधानसभा के अध्यक्ष ही नहीं। एक ऐसा प्रसंग हुआ कि दोनों दिल्ली, तो वहां उस व्यक्ति ने कहा कि चलिए अब तो दिल्ली में आ गए हैं, कब से यहां तो कुछ अच्छा अच्छा देखिए नेता लोग कितने अच्छे अच्छे क्रमधारी कुर्ता पहन रहे हैं, क्या पहनती और वो। तो मैं कह यहां सुधांश को कोई पहचानता है? ऐसे महान व्यक्ति कभी कभी मैं सोचता हूँ तो हृदय बहुत द्रवित होता है कि उस जमाने में कैसे कैसे लोग होते थे, और आज दुनिया क्या हो गई, आज हम क्या क्या देख रहे हैं संसार राजनीति के और साहित्य के दोनों के ही आदर्श और प्रेरक पुरुष थे। बड़ी श्रद्धा के साथ ऐसे महात्मा सदृश साहित्यकार और राजनेता की वंदना करता हूँ, चरणों का स्पर्श कर अभिनंदन करता हूँ, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और एक लघु कथा पढ़ता हूँ। ये आतंकित नहीं होइएगा वरना देर करेंगे, क्योंकि लघु कथा पाठ की मर्यादा है कि लोग देख करके पढ़ते हैं ताकि उसमें जो बोलते समय लोग प्राय कर जाते हैं ऐसा करने के लिए स्थान नहीं। तो ये लघुतम कथा में गिनती हो सकती है, सुनिएगा बड़े लेकिन ध्यान पूर्वक से, क्योंकि ये कुछ 10 सेकेंड की रचना है। शीर्षक है शादीशुदा। वह आई मुस्कुराई, संकेत से बुलाई, कहा सुंदर हो मेरे साथ रहोगे? मैंने कहा कृतज्ञ हूं देवी, पर क्षमा करें शादीशुदा हूं।